एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। और कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे। सो आज के वीडियो में एक अनदर न्यू लॉन्च का एक रिव्यू करूंगी, बट दिस इज न्यू लॉन्च फ्रॉम द ब्रांड डॉट इन की। अभी दो दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था डॉट इन की सीका कालमिंग जेल फेस मास्क। वो भी न्यू लॉन्च था। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको जाके जरूर वॉच कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो वहां से क्लिक करके भी जाके आप देख सकते हो। तो उसी सेम रेंज में न्यू लॉन्च है जो है अगेन जेल मास्क, जिसका नाम है डॉट इन की द मास्क रोज रिसर्फेसिंग जेल मास्क। तो पैकिंग देख सकते हैं सेम है, वो थी सीका काल में, तो अंदर से आपको ग्रीन सी दिखी होगी, बट है ये द मास्क रोज। इसके अंदर रोज है और दिस फेस मास्क इज बेसिकली गुड फॉर डल, डिहाइड्रेट एंड ड्राई स्किन। तो इस वीडियो में एक पूरा फुल डिटेल रिव्यू करूंगी, जो एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन, इसे कैसे अप्लाई करना है और ये किस तरह से फेस पे वर्क करता है, और दिस इज स्पेशली फॉर डल स्किन। तो ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट एंड बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और ग्लोई करेगा। तो वही सब हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तो जरूर देखें और मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर ले गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। बात करते हैं अबाउट दिस फेस मास्क पैकिंग और इसकी प्राइस। इसकी प्राइस है 595 और 595 में आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है 25 ml। सीका काल्मिंग जेल फेस मास्क का रिव्यू किया था, सेम ऐसी ही पैकिंग है, सेम क्वांटिटी है, सेम प्राइस है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज क्वांटिटी इज टू लेस। सेम इसी के साथ है और ये ग्लास का जार है, देख सकते हैं ऊपर इसकी बहुत क्यूट सी पैकिंग है और अंदर से पिंक तो नहीं कह सकते, लाइट येलो कलर की इसकी पैकिंग है और इट्स काइंड ऑफ जेल फेस मास्क। तो बहुत यूनिक फॉर्मूला है, तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेट मॉइस्चराइज कर देगा। तो नाउ डेज इज विंटर, तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट तो नहीं होगी, बट यस हमारी स्किन ड्राई बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ही फेस मास्क है। फेस मास्क गिव यू अ ड्यूई लुक, मतलब ये आपके स्किन को इंस्टेंटली ड्यूई लुक देगा, इंस्टेंटली स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा और हाइड्रेट भी कर देगा। इज अ गुडनेस ऑफ द मास्क रोज। द मास्क रोज इज अ नेम ऑफ अ रोज, जो स्पेशली ये बल्गेरियन रोज है, लाइक ये तुर्किश रोज कह सकते हैं आप। तो ये बल्गेरियन में ज्यादा माना जाता है, जो आपकी स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और सबसे ज्यादा अच्छी बात है ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से बूस्टअप कर देता है, कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अगर आपकी स्किन डल, ड्राई, डिहाइड्रेट रहती है तो इंस्टेंटली ये बूस्टअप करता है आपकी स्किन को ग्लो बनाने में। There have a very good ingredients like aloe vera gel, hyaluronic acid, the mask rose and chamomile extract, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ग्लोई बनाएगी। पहला इंग्रेडिएंट वो है द मास्क रोज, जो आपकी स्किन को फर्म बनाने में हेल्प करेगा, और इसके अंदर है एलोवेरा जेल, जो हमारी स्किन को हील करने में, हमारी स्किन को सूथ रखने में और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। देयर हैव अ चैमोलिन एक्सट्रैक्ट, जो फाइट करेगा स्किन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इरिटेटेड स्किन, रेड रहती है, मतलब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन इची रहती है, बहुत ज्यादा जलन रहती है, एज यू कैन से सकते हैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती है, तो उसको ये काफी ज्यादा फाइट करेगा, तो उस हद तक इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। हाइड्रोनिक एसिड, जो लॉक करके रखता है मॉइस्चराइजर लेवल को और स्किन बनाता है प्लम्प एंड बाउंसी, बिकॉज हाइड्रोनिक एसिड इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर एवरी स्किन टाइप। ये हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चर लेवल को लॉक कर देता है, जिस वजह से हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है लंबे टाइम तक और हमारी स्किन प्लम्प और बाउंसी बनती है। और अगर आप बात करें ये जो जेल फेस मास्क है किस तरह से फेस पे वर्क करेगा, हमारी स्किन नाउ डेज ड्राई हो रही है, लाइक अगर हमारी स्किन ऑयली भी है तो विंटर्स में क्या होता है कि लिटिल बिट हमें ड्राइनेस फील होता है, बट दिस फेस मास्क इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है, कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, बट दिस फेस मास्क इज अ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, जो इंस्टेंटली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बनाएगा। फेस मास्क हमारे स्किन के अंदर कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे स्किन के अंदर इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा। अगर हमारे स्किन का कॉलेजन प्रोडक्शन बूस्ट ऑटोमेटिकली अगर अच्छा रहता है तो हमारी स्किन बाउंसी, ग्लोई, हेल्दी, ऑटोमेटिकली एक नेचुरली ग्लोई भी नजर आती है। इसका जो टेक्सचर है वो जेल बेस है, तो इट्स काइंड ऑफ जेल फेस मास्क, जो बहुत ही इजीली फेस पे स्प्रेड हो जाएगा और इसको बस हमें लगा के रखना होता है 10 to 15 मिनट, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ साफ पानी से वॉश करना होता है। अब इसको कैसे यूज करना है, यूज करने से पहले
आप अपना फेस को वॉश कर लें, अगर आप कोई मेकअप वगैरह है फेस पे उसे क्लीन कर लें। उसके बाद इसके साथ स्पैटुला मिलता है, आप उसकी हेल्प से लगा सकते हो, ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। अगर आप अपने फिंगर की हेल्प से लगा रहे हैं तो हैंड आपके क्लीन होने चाहिए। तो पूरे फेस पे जनरस अमाउंट लेके एक लेयर लगा लेनी है। तो आपको थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ जेल फेस मास्क, तो बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं लगा लेना है, इससे तो फेस मास्क खत्म ही हो जाएगा। बहुत नॉर्मली एक लेयर लगानी है जिससे कि आपको एक फील मिल जाए कि आपके फेस पे अच्छे से ये एक लेयर बन गई है, पूरे चीन एरिया, फॉरहेड, अच्छे से एक जनरस अमाउंट अपने फेस पे लगा लें एंड लेट इट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes, मतलब 10 to 15 मिनट तक उसे रिलैक्स होने दें अच्छे से फेस पे। उसके बाद आफ्टर 15 to 10 मिनट्स आपको कूल वाटर से उसे वॉश कर देना है, कोई फेस वॉश नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली एक कूल वाटर से उसे वॉश कर देना है। तो इंस्टेंटली स्किन ना हाइड्रेट नजर आएगी, इंस्टेंटली स्किन एक मॉइस्चराइज नजर आएगी और एक नेचुरल यूथफुल स्किन आपको उस वक्त नजर जरूर आएगी। हैव टू यूज अ 2 times in a week, मतलब फॉर द बेस्ट रिजल्ट। वीक में 2 बार यूज करेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्किन अगर डल है वो हाइड्रेट नजर आएगी। और स्किन जो कंसर्न्स हैं जब मैंने बात करी, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट डल है और बहुत ज्यादा अनमॉइस्चराइज रहती है तो वो सारे कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे आगे यूज करने से वो दूर होंगे। अगर मैं अपने फीडबैक की बात करूं तो मेरा फीडबैक अच्छा रहा है, मेरा सीका कालमिंग जेल फेस मास्क के साथ भी अच्छा रहा था, मेरा फीडबैक इसके साथ भी अच्छा रखा। आई लाइक इट, मुझे इसका वर्क भी अच्छा लगा, लाइक अप्लाई करने के बाद बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है। सीका कालमिंग के संग ज्यादा अच्छी रिफ्रेशिंग फीलिंग मेरे को मिली, इसके साथ भी मिली। इसके साथ क्या था कि इसको वॉश करने के बाद ही इंस्टेंटली स्किन, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रही है, मॉइस्चराइज सी लगती है और अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है और एक ग्लो भी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसका बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नाइका और .in की वेबसाइट से भी आप जाके बाय कर सकते हो जहां से आपको पसंद है। तो बाय लिंक आप जरूर चेक कर लें, उसको भूलेना। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो होप आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा, इसका फुल डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। इफ एनी केस, इफ यू हैव एनी क्यूरीज अबाउट स्किन केयर कंसर्न्स या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, वहां भी मैं काफी एक्टिव रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ रिलेटेड टू स्किन कंसर्न्स एंड मेनी मोर, तो वहां पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो अच्छे अच्छे न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं और अच्छे अच्छे स्किन केयर टिप्स भी आ रहे हैं। फिर भी आपको कोई ऐसा रिक्वेस्टेड कंसर्न्स हो किसी भी रिलेटेड प्रोडक्ट से या स्किन कंसर्न से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।